माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? मैं आपको दोस्त बिट्टू और आप लोग देख रहे हैं डबल वॉइस सैंगो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में मैं आपको पूरे वेस्ट बंगाल के सबसे खास और अनोखे शिव मंदिरों में से एक, जो कि गाइस 108 शिव मंदिर है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। और गाइस मंदिर के साथ साथ मैं आपको पुराने राजबाड़ी, हिस्टोरिकल कुओं, गंगा नदी, बहुत सारे भगवान के आधुनिक मूर्ति और भी बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो बहुत ही हिस्टोरिकल चीजों से भरी पड़ी है, बस लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, आप यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ पे आके आप क्या क्या देखेंगे, आपको सब कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में पता चलने वाले। तो मैं चलिए आपका वक्त जाया ना करते हुए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं 108 शिव मंदिर जाने के लिए। तो भाई चलिए, अब जानते हैं वहाँ पे जाने का पूरा डिटेल्स। आप लोग भी चलिए। हे गाइस, अगर आप बर्धमान से, सो गाइस आपको वहाँ से हावड़ा लोकल का ट्रेन पकड़ना है, फिर डायरेक्ट बैंडल स्टेशन पे आना है। बैंडल स्टेशन पे आने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ से कटवा लोकल का ट्रेन पकड़ना है, फिर डायरेक्ट अंबिका कांला पे उतरना है। और अगर आप कलकत्ता से, सो गाइस आपको पहले हावड़ा स्टेशन पे आना है। हावड़ा स्टेशन पे आने के बाद फिर गाइस आपको वहाँ से बर्धमान लोकल का ट्रेन पकड़ना है या फिर बैंडल लोकल का ट्रेन पकड़ना है, कोई भी एक पकड़ के आपको बैंडल स्टेशन पे आना है। फिर गाइस आपको यहाँ से फिर से कटवा लोकल का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर गाइस आपको अंबिका कालना पे उतरना है। और अगर आप सियालदह के उधर से, सो गाइस आपको वहाँ से अगर डायरेक्ट आना है, सो गाइस आपको वहाँ से कटवा लोकल का ट्रेन पकड़ना है, फिर डायरेक्ट अंबिका कालना पे उतरना है। या फिर गाइस अगर आप भाया होकर आना चाहते हैं, सो सबसे पहले गाइस आपको सियालदह से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा नोयाटी जंक्शन के लिए, फिर आपको नोयाटी पे आना है। नोयाटी पे आने के बाद फिर गाइस आपको वहाँ से बैंडल लोकल का ट्रेन पकड़ना है, फिर गाइस आपको बैंडल पे उतरना है। बैंडल पे उतरने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ से फिर कटवा लोकल का ट्रेन पकड़ना है, फिर गाइस आपको अंबिका कालना पे उतरना है। सो हे गाइस, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अंबिका कालना पे। तो फिर चलिए अब चलते हैं 108 शिव मंदिर की तरफ। हे गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गाइस आज कालना पे आके मुझे फिर से दोबारा मेरे एक सब्सक्राइबर से मीट हो गया, जिसका यहीं पे घर है। सो उसका नाम है सायोन। सो सायोन आज हमारे साथ यहीं पे रहेगा, हमारे साथ पूरे वीडियो पे। सो तो फिर चलिए अब चलते हैं वीडियो पे, आगे बढ़ते। सो हे गाइस, फिर आपको यहाँ से सीढ़ी पकड़ना है, फिर सीढ़ी पकड़ के ऊपर से आपको राइट साइड पे आना है, फिर आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरना है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरफ आपको आना है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद फिर गाइस अगर आप पैदल जाना चाहते हैं, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने में 20 मिनट लग सकते हैं। और गाइस अगर आप टोटो से जाना चाहते हैं, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे। टोटो का प्राइस है गाइस 10 रुपया। स्टेशन से बाहर निकलते ही राइट साइड पे गाइस आपको टोटो स्टैंड दिख जाएंगे। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं 108 शिव मंदिर पे। तो फिर चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। गाइस लौटते समय आपको यहीं से टोटो मिल जाएंगे स्टेशन पे जाने के लिए, जो हे गाइस सबसे पहले पुराने राजबाड़ी और उसके अंदर के पुराने मंदिर को देख लेते हैं। तो फिर चलिए अब वीडियो का मजा लेते हैं।
हे गाइस, सामने जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये बहुत साल पुराना है। और गाइस, इस पेड़ का खासियत ये है कि गाइस ये एक पेड़ नहीं बल्कि एक ही पेड़ पे आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस, आप जो एक कुएं देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। हे गाइस, तो पे चलिए फाइनली आप देख लेते हैं 108 शिव मंदिर को। गाइस, मंदिर में घुसने से पहले आपको यहीं पे आपका जूता उतारना पड़ेगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं। हे गाइस, मंदिर खोलने के दो टाइम है। पहला, सुबह के 7 बजे ये लोग खोलते हैं और दोपहर को 1 बजे ये लोग बंद करते हैं। और दूसरा, दोपहर को 3:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे ये लोग बंद कर देते हैं। हे गाइस, यही वो हिस्टोरिकल कुएं हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। गाइस, मैं आपको नाइट सीन भी दिखाने वाला हूँ, सो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि गाइस नाइट सीन में ये जगह और भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, तो भाई चले आप नाइट सीन का व्यू देखते हैं।
है गाइस, आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस अगर आप 180 मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं सो आप यहाँ पे जरूर आना और 180 मंदिर का दर्शन करना। और गाइस अगर आप वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं सो आप मेरी इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो गाइस अगर आप किसी तरह की ऑल वीडियोस देख रहे हो तो हमारे ट्रैवल पास चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो छोड़ती आपके पास आ जाए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट कर, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको देते रहे। तो चलिए मिलते फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।